हेलो स्टूडेंट्स, डाउन स्टेयर्स रेन द जायंट इन ग्रेट जॉय। जो दानव था वो खुशी से सीढ़ियों से नीचे भागकर आया एंड आउट इनटू द गार्डन, और उस बगीचे के अंदर आ गया। ही हैसन अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और वह तेजी से दौड़ा और बालक के पास पहुंच गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वह निकट पहुंचा तो उसका जो चेहरा था बेटा, जो उसका फेस था, वो क्या हो रहा था, गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। एंड ही सेड, और वह बोला, हु हैथ डेयर टू वाउंड थी, इसने ये बताया कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस किया है। डेयर मीन्स साहस करना। एंड फोर, ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, और तो क्योंकि बालक के हाथों पर जो कीलों के निशान थे, एंड द प्रिंट्स ऑफ द टू नेल्स, नेल्स होते हैं बेटे कीले, एंड टू नेल्स वर द ऑन द लिटिल फिट, और जो दो निशान उसके छोटे छोटे पैरों पर भी थे। हु हैड डेयर टू वॉन्ग थी, उसने फिर यही बात किया कि तुम्हें घायल करने की हिम्मत किसकी हुई। क्राइड द जायंट, जो जायंट था उसने चिल्लाते हुए कहा, टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, कि ताकि मैं अपनी जो विशाल, जो बड़ी जो तलवार थी उसे मार सकूं। नाउ द नेक्स्ट पेज, ने आंसर द चाइल्ड, उस बच्चे ने नहीं, बालक ने आंसर किया, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, कि ये है तो वे प्यार के चिन्ह हैं, मतलब ये प्यार के घाव हैं। हु आर थू, तुम हो कौन, उसने ये पूछा। सेट द जायंट, जायंट ने कहा, एंड अ स्ट्रेंज आवर फेल ऑन हिम, और उसने पूछकर ये बताया कि एक विचित्र भय जो उसके ऊपर छा गया था, मतलब ये तो हो ही गया था बेटा कि हो कौन आप, तो उस छोटे से बच्चे के सामने जो घुटने टेक कर वह बैठ गया। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, उस छोटे से बच्चे के आगे अपने घुटने टेक कर बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जाइंट एंड सेट टू हिम, और जो छोटा बच्चा था उस दानों पर मुस्करा दिया और बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, कि आज तुम मेरे साथ मेरे बाग में चलोगे, जिसे स्वर्ग कहते हैं। टुडे यू शैल कम विद मी, कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। टू माई गार्डन, कि मेरे बगीचे में, विच इज पैराडाइज, पैराडाइज होता है बेटा हेवन, कि आपको मेरे स्वर्ग में, जिसे स्वर्ग कहते हैं। एंड वेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, जब बच्चे शाम को दौड़कर आए तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि दानों को वृक्ष के नीचे मृत पड़ा हुआ था, मतलब मर गया था, डेड, एंड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और उसका जो शरीर था वो वाइट कलर के फूलों से ढका हुआ था। सो मेरे बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, एंड मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, जो कि आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू बेटा, गुड बाय।